आज हम ओपनिंग पे हैं पुत्र गुंडेदा, एक बड़ी अच्छी फिल्म है। मेरे साथ फिल्म के हीरो जो हैं राणा इमरान साहब और बड़ी ही क्यूट हीरोइन आने वाले वक्त की कह लें कि साइमा अंजुमन। साइम जी खड़े हुए हैं, इनसे जरा बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक ठाक। साइम जी ये बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका फिल्म में? मेरा बहुत अच्छा रहा है, बहुत मेहनत के साथ काम किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इस कोरोना के टाइम में जिस बंदे ने मूवी बनाई है, सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मेयर मोहम्मद असलम का, कि जिसने सब लोगों की हेल्प की, मदद। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लॉकडाउन का दौर था और कोई बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे इंडस्ट्री के ऊपर, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं था। और सबसे क्रेडिट गोज टू मेयर असलम साहब कि उन्होंने इस दौर में ये बेरा उठाया। और राणा इमरान साहब भी हैं। अच्छा साहिम जी, राणा साहब के साथ कैसा लगा काम करके? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और अच्छा काम कर। और आने वाले वक्त में कहाँ पे देख रहे हैं फिल्म को, इंडस्ट्री को? इंशाल्लाह हम सबकी कोशिश है कि ये एक अरूज पे आए। और आवाम से भी ये अपील है कि आप लोग आए, आप लोगों की हमें हौसला अफजाई चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने इतनी मेहनत से काम किया है, इतनी लगन से काम किया है और इतने मुश्किल वक्त में, तो आप लोगों को आना जरूर जरूर चाहिए। और ये सारा क्रेडिट मेरे इमोशनल प्रोड्यूसर मेहर असलम साहब को जाता है, जिन्होंने ये न्यू कास्ट लेके इतना सारा पैसा लगा के फिल्म बनाई, इतनी एडवर्टाइजमेंट की, और मैं बहुत खुश हूँ यार। और आइटम गर्ल तो हमारे पास खड़ी हुई लाइबा खान, बड़ा अच्छा काम किया लाइबा ने। लाइबा ये बताएं, लाइबा ये बताएं कि आइटम सॉन्ग का एक्सपीरियंस क्या रहा? और अभी पाकिस्तान में इसका नहीं है सिलसिला, अभी लोग जो है ना, तो क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन? पहली दफा नहीं किया, मेरा ये 25वां गाना है और इंडिया का जो गाना किया वो भी बहुत अच्छा था। ये बहुत अच्छा है, ये आज का है। और बेस्ट विशेस क्योंकि हमारी पूरी टीम को, और मेयर असलम जी थैंक यू, और हमारी पूरी टीम जो है वो पुत्र गुंडेदा जो पूरी टीम है उनके साथ है। इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए सुनहरी दौर होगा। और स्पेशली थैंक्स टू मेयर असलम साहब, शुक्रिया जी, थैंक यू।